प्रार्थना पूर्वक निवेदन करूंगा, ऐसा व्यापार जीवन में कभी भी मत करना जिस व्यापार में वस्तु में मिलावट करनी पड़ती हो और तराजू से तौल के कम देना पड़ता हो। ऐसा व्यापार मत करना। आटे के कट्टे पर लिखा होता है 50 kg, निकलता है 49 kg 500 ग्राम, कभी भी तौल लेना, पूरा निकलता ही नहीं है। जितना भी ये पैकिंग का सामान है कोई भी लेके आइए, वो 100% का 100% उसको कम ही निकलना है। जो राशन के दुकानदार बैठे हैं उन्हें पता, लेकिन उसमें वेट लिखा होता है पूरा। आप भाव में 1 रुपया ज्यादा ले लें, लेकिन आप कहेंगे कि ऐसे ईमान के बिना काम नहीं चलता। क्या बात करते हैं आप, ईमान तो 1000 मनकों की माला में दमकने वाला हीरा है। इसका असर आपके औलाद के ऊपर होगा, इसका असर आप देखना, आपकी संतान दिन दूना रात्रि चौगने के रूप में उभरेगी। ऐसी वस्तुओं को बेचना मत जिसमें मिलावट खोरी की गई है, उसको मिलावट मत करना। और नहीं तो ये पैसा फेफड़ा फाड़ के बाहर निकलाएगा, बीमारियां बढ़ेंगी। रामायण के उत्तरकांड में लिखा है, गरीब हो अमीर हो, भगवान ने सुख दुख सबके लिए बराबर दिया है। जैसे 1 महीने में 15 दिन अंधकार के होते हैं, 15 दिन उजाले के होते हैं, उसी प्रकार से गरीब और अमीर के लिए 15 दिन यानी सुख और दुख दोनों तराजू में बांट करके बराबर है। जिनको पैसा नहीं दिया है तो उनको निरोगी रख दिया है। ऐसे बहुत लोग हैं, धन बहुत है लेकिन उनको 1 महीने 15 दिन में 2 महीने में उनको पूरी बॉडी में खून चढ़ता है। अरे सरंजों से घायल कर दिया है छाती, फेफड़ों में पानी भर गया है। आपके पास पैसा नहीं है, आपके पास स्वास्थ्य है, पहला धन है निर्मल का है। आप स्वस्थ हैं, आप कितने बड़े अमीर हैं दौड़ती हुई दुनिया में, चकाचौंध की दुनिया में, और आप बीमार नहीं होते। मुझे तो ध्यान भी नहीं है कि कितने साल पहले, पता नहीं कब इंजेक्शन लगा होगा, भगवान करे ना लगे तो ही ठीक है। ऐसा जीवन जीना है बिल्कुल भी। यदि आप मेरी कथा को फॉलो करते हैं तो मैं आपको निवेदन करूंगा, महाभारत में कथा आती है, जावाली महात्मा ने इतनी तपस्या करी, जटाएं इतनी लंबी हो गई कि गौरैया ने उसमें घोंसला बना लिया। महात्मा जी को अभिमान आ गया, मेरी तपस्या मेरी तपस्या मेरी तपस्या। आकाशवाणी हुई, बाबा अहंकार मत करो, तुलाधार बनिया के सामने तुम कुछ भी नहीं हो। वैश्य घर में जन्म हुआ था तुलाधार का, महाभारत में कथा थी। तो शब्द सुनकर के जावाली काशी पहुंचे तुलाधार वैश्य से मिलने के लिए, और ये कथा आती है भविष्य पुराण में जो मैं आपको सुना रहा हूं, और महाभारत में भी आती है, भविष्य पुराण में भी है ये। तो वो पहुंचना वहां पर हुआ और एक दुकान पर पूछने लगे, मैं तुलाधार बणिए से मिलना चाहता हूँ। तुलाधार ही बैठे थे, उन्होंने कहा जा जा, आकाशवाणी की आवाज सुन के आयो, तो मैं ही तुलाधार वैश्य हूँ। बोलिए, महात्मा जी ने कहा तुम्हें कैसे पता लग गया? उन्होंने कहा तराजू मेरा मंदिर है, ग्राहक मेरा देवता है, विश्वनाथ के दरवाजे पर पहुंच नहीं पाता लेकिन बाबा विश्वनाथ मेरे तराजू के झूले में झूलने को रो जाते। और इतना कहा तो तराजू में विश्वनाथ आके झूलने लगे, जावाली महात्मा को दर्शन हुए। और जावाली ने भोलेनाथ को पूछा, आप इससे इतने खुश क्यों हैं? भोलेनाथ ने कहा इसलिए इससे खुश हूं क्योंकि वस्तु में मिलावट नहीं करता और तराजू से कम तौल करके नहीं देता, ये इसमें विशेष। ऐसा जीवन जीना। ये जितने भी यहां पर दुकानदार बैठे हुए हैं, छाती में धक्का तो लग रहा होगा मेरी, हाँ मेरे कहने से, दुकानदारों की घरवालियां बैठी होंगी, इन्हें बता देना घर जाके के आज हम खाटू श्याम बाबा की कथा में ये सुन करके आए, भाव में रुपया ज्यादा ले लीजिए लेकिन वस्तु में मिलावट नहीं और तराजू से तौल करके कम नहीं। ध्यान रखें इस बात का, एक बार जयकारा लगाइए, बोलिए भक्तवत्सल भगवान की, श्री हनुमंत बलवंत महाराज की जय हो।